हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंस्टेंट बनकर तैयार होने वाली पोहा कुरोड़ी की रेसिपी। इसे मराठी में कुरड़ई भी कहा जाता है। जी हाँ, कुरोड़ी को तो अक्सर भिगाकर पकाकर बनाया जाता है, लेकिन आज मैं बड़ी ही सिंपल इंस्टेंट पोहा कुरोड़ी लेकर आई हूँ। इसे हम बिना गैस जलाए फटाफट से बना सकते हैं और ये खाने में भी एकदम क्रंची और बढ़िया लगती। गर्मियों में इसे आप आमरस के साथ एंजॉय करें, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए बिना कोई देर किए इंस्टेंट पोहा कुरोड़ी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल कुक विद काशनी में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके लिए यहाँ मैंने 125 ग्राम पतला पोहा लिया है। हमें चूड़ा बनाने वाले पतले पोहे का इस्तेमाल करना है। देखिए, यहाँ मैंने एकदम पतला पोहा लिया है। इस पोहे को पानी से आप पहले धो लें, फिर इसमें मैं और पानी डालकर एक बार छन्नी से छान लूँगी। छानने से इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। पोहे को प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। देखिए, पानी डालने से पोहा इस तरह से सॉफ्ट हो जाता है। अब इसे मैं ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूंगी, जिससे ये पोहा बढ़िया नरम हो जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं। पोहे को एक प्लेट में निकाल लूंगी और इसमें एक चम्मच नमक डाल लेंगे। अब हमें इस मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से मसलते हुए मिला लेना है, जिससे ये एकदम नरम हो जाएगा। आप इसे हाथों की सहायता से मसलते हुए बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। इसको हमें एकदम आटे की तरह मसलते जाना है। अभी ये थोड़ा ड्राई लग रहा है, इसमें मैं एक बड़ा चम्मच पानी डाल रही हूँ। पानी डालकर इसे एकदम आटे की तरह नरम बना लूँगी। पानी डालकर मिक्स करने से ये एक साथ आ चुका है और एकदम नरम भी बन गया है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी डालें। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कुरोड़ी का मिक्सचर किस तरह का होना चाहिए। ये मिक्सचर न ज़्यादा गीला न ज़्यादा सूखा होना चाहिए, बस आटे की तरह नरम होना चाहिए। इसे इस तरह से आप चेक कर लें। कुरोड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ सेव बनाने वाला साँचा ले लिया है और इस तरह से हम इसमें हमारे कुरोड़ी के आटे को फिल कर लेंगे। साँचे को हमें पूरा नहीं भरना है। मिश्रण के भर जाने पर इसे मैं इस तरह से बंद कर लूँगी। तो ये हमारा साँचा रेडी है इंस्टेंट पोहा कुरोड़ी बनाने के लिए। कुरोड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक बिछा लिया है। इस पर हमें कोई भी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस हम एक एक करके कुरोड़ी को बना लेंगे। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ इसे कैसे बनाना है। तो इसे बीच से चालू करते हुए गोल घुमाकर कुरोड़ी बना लेनी है। ये बड़ी आसानी से बन जाती है। यहाँ मैंने सभी कुरोड़ियों को बना लिया है। इन्हें हमें अब तेज़ धूप में 2 से 3 दिन के लिए सुखा लेना है। आप इसे पलट कर दोनों तरफ से पूरी तरह सुखा लें। 3 दिन के बाद हमारी इंस्टेंट पोहा कुरोड़ी सूख कर रेडी है। आप इन इंस्टेंट पोहा कुरोड़ी को एयर टाइट कंटेनर में भरकर साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। आइए पोहा कुरोड़ी को तल कर दिखाती हूँ। यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें मैं एक कुरोड़ी को डाल लूँगी। देखिए, कुरोड़ी तेल में जाते साथ ही एकदम डबल से भी ज़्यादा फूल चुकी है। ये फ्राई हो चुकी है, इसे मैं बाहर निकाल लूँगी। तो देखा आपने कैसे हमने बिना गैस जलाए इंस्टेंट पोहा कुरोड़ी बनाई। आप देख ही सकते हैं कि ये कुरोड़ी फ्राई होने पर डबल से भी ज़्यादा फूल कर तैयार होती है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची लगती है। तो आप भी इस इंस्टेंट पोहा कुरोड़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। साथ ही आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।